हाय सो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे इस एनालिसिस का, जो कि ये चैनल हर साल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि इस बार किस तरह का रिजल्ट उनका देखने को उन्हें मिलने वाला है। तो आज हमने स्टूडेंट्स का इंतजार यहाँ पर खत्म कर दिया है, तो स्टूडेंट्स भी हमारा इंतजार जरूर खत्म करें, जरूर वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल आप तक पहुंचा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक एवी गुरुजी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है उसे डाउनलोड नहीं की है तो जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप उसका वेब एक्सेस पा सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पर आपको बहुत कुछ हमने फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है, जिसके अंदर सबसे खास है फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवाना। तो फ्री में टेस्ट आप वहां पर देखिए, जैसा एग्जाम के अंदर इंटरफेस होता है वैसा का वैसा इंटरफेस भी हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। उसके लिए वीडियो हमने चैनल पे लॉन्च कर दी है, तो उसको आप देख सकते हैं, या एप्लीकेशन पे जाके आप चैट बॉक्स में हमारी टीम मेंबर से पूछ सकते हैं किस तरह से एग्जाम जैसे इंटरफेस मिलेगा, उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नए जैसा महसूस ना हो, ऐसे के ऐसे सेम टू सेम टाइम जैसा और एग्जाम में जिस तरह से बोलो आपको देखने को मिलता है वो सब देखने को मिलता है। और अगर आप इंटरेस्टेड है जून 2023 का बैच ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ही मिनिमल फीस पे प्रोवाइड करवा रखी है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने फ्री में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डियर, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो बताने से रह गई थी, तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स के लिए हम कोच यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको बता दूं कि पहले 15% का रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे घटाकर 6% कर दिया गया था केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में। यहां पर नवंबर 2017 से बेसिकली ये एप्लीकेबल हो गया था, यानी कि 22 जनवरी 2017 के बाद से इसका परसेंटेज घटाकर 6% कर दिया गया। अब सुनने में बुरा लग रहा है, पर इफेक्टिवली अगर देखा जाएंगे तो सही है, क्योंकि अब ये जो 6% निकाला जाता है वो अपियर्ड कैंडिडेट का निकाला जाता है। डियर, जो एग्जाम में अपियर हुआ है, तो जो आपको क्राइटेरिया 40% मार्क्स का, 35% एससी एसटी कैटेगरी का देखने को मिलता था, उसका अब खास मायने रहा नहीं, क्योंकि अब जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उसका 6% के लगभग स्टूडेंट्स जो है वो ये पास कर देंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आती है। सबसे पहले मैं यहां पर आपके साथ में बात करना चाहूंगा, एक साल पहले यानी कि 2021 की जो पिछला सेशन हमारे पास में हुआ था, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 12,66,509, जिसमें से अपीयर हुए 6,71,288। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट क्या करें, पिछले 2-3 सालों से 2020 के अंदर कोरोना लग गया था, उसके बाद से ही बड़ी प्रॉब्लम्स एनटीए को और स्टूडेंट्स को दोनों को ही फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से काफी स्टूडेंट्स जो है मामला रोल पे दोल सा ही हो गया था। तो इतना इतना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लगभग 50% बच्चे ही हो गए जो अपीयर नहीं हो पाए थे। कुछ एनटीए सेंटर्स भी सही तरीके से दे नहीं पाई थी स्टूडेंट्स को, जो प्रेफरेंस में नहीं थे वो सेंटर्स भी एनटीए द्वारा दिए जा रहे थे, ये भी एक बड़ा रीजन था जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर नहीं हो पाए थे। खैर, अपने फिर से टॉपिक पर आए थे, यहाँ पर इसका एक दूसरा रूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा। टोटल मिला के जो रजिस्टर हुए थे कैंडिडेट वो 12,66,000 थे, अपीयर हुए 6,71,000। तो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, अपीयर का 6% जो है वो पास करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 43,730 जो कि क्वालिफाई किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका परसेंटेज निकालने जाते हैं, तो ये 6.5% के लगभग आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये परसेंटेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई लिमिट है, उस लिमिट पर बहुत सारे कैंडिडेट आ गए तो उन सारे कैंडिडेट्स को भी पास करना पड़ेगा, तो परसेंटेज हमेशा 6 ही रहे, जरूरी नहीं, यह ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझाया हुआ इसका गणित क्या है। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट तौर पे बताने से रह गई थी, वो मैं सबसे खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कई बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं ये बोलकर कि हमारे चैनल ने ऑल इंडिया रैंक 1 दे दिया, जबकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यूजीसी का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने खास तौर पर बोल दिया कि रैंक हम असाइन करते ही नहीं है जी, रैंक असाइन हो ही नहीं सकता। और इसका भी एक भारी गणित है जो कि उन यूट्यूबर्स को, उन नकली टीचर्स को पता ही नहीं है, इसलिए वो स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं और अपना चैनल को ग्रो करने के लिए झूठे बयान यहाँ पर स्टूडेंट्स को दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है अगर किसी ने इसके बारे में शिकायत कर दी तो। खैर, रैंक असाइन नहीं किया जा सकता, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर यूजीसी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूजीसी का ऑफिशियल यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, रैंक असाइन नहीं किया जा सकता। और इसकी भी गणित है,
उनको शायद गणित पता नहीं है, या पता है तो फिर भी उसका फायदा उठाते हुए ऑल इंडिया रैंक वन का चीखा चिल्ली सारे दिन चैनल के ऊपर वो करते रहते हैं। तो आप सब समझदार बनिए और इन भुलाखों के अंदर से बचिए। जब ऐसे टीचर झूठ बोल के काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर ये सारा का सारा धंधा चल रहा होगा। फिर से हम टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर 6.5% के आसपास रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और जेरफ का अगर परसेंटेज देखते हैं तो लगभग 1.5% होगा, 1.36 के आसपास ये परसेंटेज निकल रहा है जी, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर 2022 की बात करते हैं, अभी 5 नवंबर को रिजल्ट आया था, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपियर हुए थे। 5,44,485 बच्चा अपियर हुआ था जी, और उसमें से 43,246 को पास किया गया। अगर इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास में लगभग 8% हो जाता है, 7.94% आएगा अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 6% से कितना ऊपर की ओर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और अगर आप जेरफ वाले बच्चों की पास करते हैं देखते हैं तो ये परसेंटेज भी बढ़ा हुआ सा नजर में आएगा, 1.64% आपको देखने को मिलता है अपियर कैंडिडेट के एवज में। तो इस तरह से यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स अपियर होंगे, मेरे को लग रहा है कि इस बार भी स्टूडेंट्स कम ही अपियर होंगे, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आया और अभी फरवरी में एग्जाम शुरू हो गए, तो लगभग 2-3 महीने ही आपको स्टूडेंट्स को मिले। और इस बार भी सेंटर्स को लेके बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हमारे को सेंटर सही से अलॉट नहीं हो पाया, हमारी जो प्रेफरेंस थी वो नहीं आ पाया, बहुत दूर आ गया। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपियर ही नहीं हो पाएंगे। तो कैंडिडेट चाहे कम हो जाए बट फिर भी अपने एक मोटे तौर पर अंदाजा लेकर चलते हैं कि 5,44,000 जैसे पिछली बार था कंप्लीट सेशन एक साल के बाद में, तो अपने इसको 5 लाख मान लेते हैं। तो 5 लाख का मोटे मोटे तौर पर अपने 7% निकाल लेते हैं, तो लगभग 35,000 के आसपास जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे नेट। अब अगर आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि जी हाँ मैं तो बिल्कुल इसके अंदर आ जाऊंगा, 35,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में मेरा भी नाम आ सकता है, आपका एग्जाम इस तरीके का गया है, तो फिर यहाँ पर आप अपने चांसेस समझ सकते हैं। और इसी तरह से लगभग लगभग 1.5% आप इसका निकाल लें, 5 लाख मतलब 5,1 हजार के अंदर, अगर टॉप 5,000 के अंदर आप अपने आप को मानते हो तो आप इसमें ये समझ लो कि 5,000 मान लो या 7,500 मान लो, फिर आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भाई जेआरएफ के लेवल पे भी आप जो है वो स्टैंड कर सकते हैं, आपकी गट फीलिंग के ऊपर है। इस बार एग्जाम जो है वो इजी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट खुश थे कि भाई इस बार तो एग्जाम बहुत अच्छा गया जी हमारा, बट अच्छा गया आपका अकेले का अच्छा नहीं गया, सभी का ही अच्छा गया, तो उस आधार पर जो है वो कट ऑफ ऊपर की ओर चली जाएगी। पेपर आसान और मुश्किल से कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, अंदाजा तो तभी लग पाएगा बेसिकली जब आपका रिजल्ट आएगा, सीधी सीधी सी बात यहाँ पर यही है। बट फिर भी जब आपके ऑफिशियल आंसर की वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी उस वक्त में हम पूरी कोशिश करेंगे एक सटीक एनालिसिस निकालने की, और लगभग हमारे जहाँ का एनालिसिस सही ही बैठता है, तो उसके लिए तो अभी खैर इंतजार करना पड़ेगा, हवा हवाई बातें करने से मैं बचता हूँ। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, और ये कुछ एनालिसिस मैंने आपको बताया, लगभग 35,000-40,000 के आसपास स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं अगर 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को अपियर करवाया जाता है 5 लाख बच्चे। और ये सब चीज़ आप एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं, फ्री में टेस्ट वगैरह आप लेट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल की एडिंग में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा, बैच में इंटरेस्टेड है तो बैच भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस में आपको ये सब प्रोवाइड करवाया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के साथ में बने रहिएगा यूं ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए एबी गुरु जी को और करे अपने यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।